ये जो मैजिकल फिगर आप पीछे देख रहे हैं, अ फिगर ऑफ 100, या ये फिगर, ये JEE या नीट, ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अगले 4 साल के लिए। अगर आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं 3 साल के लिए, 11th क्लास में हैं 2 साल के लिए, 12th क्लास में हैं 1 साल के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कोरिंग 100 मार्क्स इन CBSE एंड क्रैकिंग नीट एंड क्रैकिंग JEE। सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट क्लियर है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत कॉम्पिटिशन है, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हमको ये स्कोर करना है, बट लेट्स लुक एट अ रियलिटी चेक। एक रियलिटी चेक करते हैं हम, आपका दिन कैसा है, लेट्स लुक एट दैट। यू आर गेटिंग अप एट 6 इन द मॉर्निंग, गेट रेडी फॉर द स्कूल, 7 बजे आप स्कूल के लिए निकलते हैं, 2 बजे स्कूल से वापस आ जाते हैं, खाना खाया, कपड़े बदले और 3 बजे आप अपने ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। आज की डेट में सिनेरियो ये है कि अगर आप PCM पढ़ रहे हैं या PCB पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ने एक जगह जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने एक जगह जाते हैं, बायोलॉजी पढ़ने एक जगह आते हैं या मैथ्स पढ़ने एक जगह, और चौथी जगह जाते हैं आप कॉम्पिटिटिव पढ़ने। क्या आपने कभी रियलाइज़ किया कि 3 बजे से लेकर आप जब पढ़ने के लिए गए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, कहीं पे आपको वेटिंग करना पड़ रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट है, कहीं पे ट्रैफिक जैम है, आप 9:30 बजे से पहले घर वापस नहीं आते। घर वापस आए 9:30 बजे, खाना खाया, घर वालों के साथ थोड़ा बैठे, एंटरटेनमेंट किया, स्कूल की तरफ देखा, स्कूल का थोड़ा सा होमवर्क किया, 11 बज गए, 11:30 बज गए, यू आर ऑफ टू स्लीप। इस क्लटर भरे दिन में जहाँ पे आपकी एजुकेशन 16 से 18 घंटे हो रही है, क्या आप सोचते हैं आप ये जो टारगेट है 100 वाला CBSE में स्कोर करने का, या JEE क्रैक करने का, या नीट करने का, क्या आप कर सकते हैं? बिग क्वेश्चन, दैट इज द बिग क्वेश्चन। लेट्स लुक एट अनदर एस्पेक्ट। आपका जो सारा का सारा दिन, पूरा का पूरा दिन पढ़ाई के अंदर लगा हुआ है, ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेरेंट्स कहते हैं भैया पढ़ लो, भाई इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहन इंजीनियर डॉक्टर है, पड़ोसी इंजीनियर डॉक्टर है, रिश्तेदार हैं, उनका प्रेशर, ठीक है, दिस इज़ वन सिनेरियो। ये है आपका करंट सिनेरियो। हम एक काम करते हैं आपके लिए, हम आपके लिए दिन दोबारा क्रिएट करते हैं। आप सुबह 6 बजे फिर उठ रहे हैं, 7 बजे स्कूल जा रहे हैं, 2 बजे वहाँ से वापस आ रहे हैं स्कूल, 3 बजे आपने ट्यूशन के लिए पढ़े। नाउ लुक एट दिस फैक्टर हेयर, यहाँ पे आपकी एजुकेशन सिर्फ 3 घंटे की है, आप 6 बजे 6:30 बजे फ्री हो रहे हैं। आपका फ्री टाइम, जो आपको वो ऑरेंज मार्क नज़र आ रहा है पीछे, वो आपका फ्री टाइम है। ये फ्री टाइम आपका अपना टाइम है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एस्पेक्ट मैं और पूछता हूँ आपसे, 16-18 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ हाउ फास्ट डज योर ब्रेन वर्क, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर्स आते हैं, आप 60 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं देते हैं, 45 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं, 15 सेकंड में, 5 में, 10 में, ये सारी क्रिटिकलिटी है। हमने जो दिन आपके लिए दोबारा क्रिएट किया है, उसमें आप क्या अचीव करेंगे? आप अचीव करेंगे 9 से 10 घंटे की पढ़ाई और ब्रेन रिस्पॉन्स ऑफ 5 to 15 seconds। नाउ ये 5 to 15 seconds का ब्रेन रिस्पॉन्स और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई और ये एश्योरिंग सक्सेस कि हाँ मेरे को, मैं 100 क्रैक कर लूँगा और मैं नीट या JEE क्रैक कर लूँगा, ये कौन करेगा? ये 912 क्लासेस करेगा। 912 का अपना स्पेशलाइज्ड सिलेबस है, ICS सिलेबस। वो ICS सिलेबस आपको एक इस तरह की पढ़ाई देगा आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पढ़ाई डिफरेंट है, CBSE बुक्स, NCERT बुक्स और आपकी जो कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई है वो सब सेम रहती है, मैटर
सब कोचिंग सेंटर्स का सेम है, इट इज़ द प्रोसेस। एक एग्जांपल, आपके पास तो एनसीईआरटी बुक्स हैं, आपने ये भी देखा कि अभी जो पिछला जेई का एग्ज़ाम हुआ 70% ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स में से। आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वो कोचिंग सेंटर आपको 60 70 80 100 किताबें और दे देता है। रिजल्ट क्या होता है? आप खुश, पेरेंट्स खुश, भैया इतनी किताबें आ गई। क्या वो किताबें ज़रूरी हैं? क्या वो 10,000 क्वेश्चन 15,000 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं? नहीं। हम ये नहीं कहते कि किताबें ज़रूरी नहीं हैं, किताबें उतनी ही ज़रूरी हैं, बट किताबें एक राइट टाइम पे चाहिए। अंडर आर ICS सिलेबस विच इज़ इंटीग्रेटेड कंसेप्चुअल सीक्वेंशियल में हम आपको CBSE, JEE और NEET कलेक्टिव फॉर्म में, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, थ्रू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और एक सीक्वेंस के अंदर करवाते हैं। वो अप्रोच और वो जो सीक्वेंस है, वो से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। मंडे टू थर्सडे आप एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पढ़ाई कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन आप अपनी प्रोफेसर के साथ टेस्ट वो डिस्कशंस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। सैटरडे को आप टेस्ट देते हैं तो आपने देखा, और संडे को आपकी रिवीजन हो जाती है साथ में। आपने एक हफ्ते के अंदर में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर में वो पूरी पढ़ाई की। ये पढ़ाई इफेक्टिव कैसे होती है और कौन पढ़ाएगा आपको ये पढ़ाई? वो पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, जो IIT PhD हैं, जो लोग एक्चुअली में ये किताबें लिखते हैं, जिनको 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उनका ये सब्जेक्ट उनके रचा बसा हुआ है उनके अंदर में, वो उनको एक्सपीरियंस है। यही वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं बैठ के, वही आपको समझाएंगे, वही आपको पढ़ाएंगे एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल के अंदर में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल के अंदर में जब वो पढ़ा रहे हैं आपको, और किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं? एक सिंपल इंग्लिश में, सिंपल हिंदी में। आप उस लैंग्वेज में जो रोजमर्रा आप हर रोज पढ़ते हैं उसके अंदर आपको पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई से होगा क्या? आपका ब्रेन फाइन ट्यून होगा, आपका ब्रेन कूल होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एग्जाम्पल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज व्हाट इज राइट अमंगस्ट द राइट्स। व्हाट इज 100% राइट? द क्वेश्चंस कम इन वेर ऑल द फोर ऑप्शंस आर राइट। आपको उन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि 100% राइट कौन सा है, 99.99% राइट कौन सा है, 99% राइट कौन सा है, और 99% राइट कौन सा है। सी द डिफरेंस, दैट इज द कॉम्पिटिशन। इफ यू वॉन्ट टू अचीव दैट, यू विल सी रीच 100 मार्क्स, यू विल रीच, यू विल क्रैक JEE, यू विल क्रैक NEET। नाउ इस सारे के अंदर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जहां आप अल्टीमेटली रीच करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट्स। आर टेक्नोलॉजी, दी 912 टेक्नोलॉजी में हम आपको थ्रू टैबलेट PCs आपको टेस्ट देते हैं। टेस्ट से फॉर एग्जांपल 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट में आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे आएगा, आपके टैबलेट PC पे वो क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, और जो क्लॉक सामने आ रही है वही क्लॉक आपके टैबलेट PC पे आ रही है। अगर 60 सेकंड है एक क्वेश्चन के, तो वो 60 सेकंड ही उसके अंदर आ रहे हैं। आपने जैसे ही अपना टेस्ट खत्म किया, आपका इंडिविजुअल स्कोर आपके टैबलेट PC पे आ रहा है, और क्लास का स्कोर सामने स्क्रीन पे आ रहा है। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि एक तो कि आपने सही क्या किया और गलत क्या किया, दूसरा आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में आंसर किया, कितने सेकेंड में आंसर किया। और एक इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका 3 महीने 6 महीने में खुद इस्टेब्लिश हो जाएगा पाथ, कि आपने पहला टेस्ट 60 सेकंड में आंसर किया था, तो जब मे बी 6 महीने बाद आपकी वो परसेंटेज
ड्रॉप करके 5 सेकंड तक आ जाती है। आप खुद देखेंगे कि हाउ फास्ट इज योर ब्रेन रिस्पॉन्डिंग एंड ऑल दिस इज डन बाय 912 क्लासेस। और ये टेस्ट हमारे सारे के सारे सैटरडे को होते हैं। जैसे ही आपने टेस्ट दिया, एक SMS आपके पेरेंट्स को चला जाता है कि आज आपके बच्चे ने ये स्कोर किया। पेरेंट्स को पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पता है कि कितनी क्या बच्चा मेरा पढ़ रहा है, क्या स्कोर कर रहा है और किस तरह से एनालाइज कर रहा है इसको। एक क्रूशियल एस्पेक्ट जो मैंने अभी पहले आपके साथ डिस्कस किया, वो क्रूशियल एस्पेक्ट है स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट। इसका क्या होगा? 912 क्लासेस के साथ हमारे पास एक इवोल्यूशन लर्निंग सेंटर है। इवोल्यूशन लर्निंग सेंटर हमारा आपको सिखाएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया हैंडल किया जाता है, किस तरह से आप, अभी एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया कि अगर आपका टाइम को अगर हम मैनेज करें तो कितनी दिन, एक दिन में आपके पास कितने घंटे फ्री हो जाते हैं। दैट वॉज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हम आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। इस लाइन, इस वक्त में, ये 9th से लेकर 12th के बीच में, जब पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, पड़ोसियों का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, सिबलिंग्स का प्रेशर होता है, उन सारे प्रेशर के अंदर में आदमी ये नहीं समझ पाता, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दी अडॉप्ट एंड ड्रॉप पॉलिसी इज वॉट वी टीच यू। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। मछली की आंख वो 100 नंबर है, मछली की आंख वो JEE है, मछली की आंख वो नीट एग्जाम है। हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, व्हाट टू अडॉप्ट, व्हाट टू ड्रॉप, ये सारी चीज़ें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, पब्लिक प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज, ये सारी हम आपको कराते हैं 912 संडे को। संडे का दिन आपको बहुत कूली हम ये चीज़ें सिखाते हैं ताकि आप अपनी पूरी पढ़ाई के साथ में एक 360 डिग्री आपकी डेवलपमेंट हो। अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो 912 का जो लोगो है, दैट इज अ सर्कल, दैट इज अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस व्हाट वी गिव टू द स्टूडेंट्स उनकी टोटल ग्रोथ के लिए। उस पूरी ग्रोथ के अंदर हम क्या करेंगे आपके लिए और क्या करते हैं। PCM और PCB आपने देखा है ज़िंदगी में, आज की डेट में ये जितनी मूवीज़ आती हैं, DDLJ शॉर्ट फॉर्म नाम है। हम PCM और PCB को आपके अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूवी बना देते हैं। PCM और PCB आपकी मूवी है, आपकी मस्ती है, आपका एंटरटेनमेंट है, आपका फ़न है। क्योंकि जो चीज़ आदमी फ़न से करता है उसको कभी नहीं भूलता। फन कभी स्ट्रेस नहीं देता, फन कभी टेंशन नहीं देता, फन हमेशा दिमाग से फियर निकाल देता है। 912 का काम है आपके दिमाग से वो पढ़ाई का फियर निकालना जो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वी बिलीव वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर द हेड इज़ हेल्ड हाई। आपके दिमाग से डर अगर निकल गया तो आपको कोई भी सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फतेह कर सकते हैं। द सक्सेस इज़ एट योर टिप्स। थैंक यू।